20 तरीक नूं श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आरंभ लगी। और जैसे आप गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करते हो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा लगेज लेके, भाई दोस्तों देखिए कितनी संगत पहुँची है गुरुद्वारा साहिब गोविंद घाट में। तो भाई कर लिया है गुरुद्वारा साहिब दरबार साहिब के दर्शन और अभी चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से भिंडर फुलना घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों आजकल श्री हेमकुंड साहिब जी की तैयारी में, यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं सब लोग और अभी हम जा रहे हैं गोविंद घाट और आपको दिखाते हैं कि गुरुद्वारा साहिब में क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है। और आज हो गई है 16 मई और 20 मई से खुलने जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट और बस 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो अभी लेके चलते हैं आपको सीधे गुरुद्वारा साहिब की तरफ। और दोस्तों सामने देखिए श्री हेमकुंड साहिब जी की पहाड़ियाँ। और दोस्तों कल से मैं भी चला जाऊँगा गोविंद धाम 4 महीनों के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे काम होते हैं रोज़गार का, ये बस एक ही ऑप्शन है वहाँ पर। अभी हम हैं गुरुद्वारा साहिब गोविंद घाट में और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से गुरुद्वारा साहिब को डेकोरेट किया गया है और 20 मई से खुलने जा रही है श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट। तो बहुत ही अच्छी तैयारी होगी हो रखी है और बहुत सारी संगत पहुँच रखी है यहाँ पे कपाट खोलने के लिए। ये देखिए दोस्तों पूरे गुरुद्वारा साहिब को फूलों से डेकोरेट किया गया है और यहाँ पे आजकल बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। दुकानें खुलने लगी है और बहुत ही ज़्यादा संगत पहुँचने लगी है यहाँ पे। तो भाई दोस्तों देखिए यहाँ पे दुकानें खुलने लगी है जो विंटर सीजन में यहाँ पे बिल्कुल ही बंद हो जाता है और वहीं पे यहाँ बहुत सारी दुकानें खुलती है, टॉयज़ की खुलती है, कड़ा प्रसाद जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब के सामने। और ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत मार्केट लगता है ये गुरुद्वारा साहिब गोविंद घाट के ठीक सामने पे ये मार्केट है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पे दुकानों में श्री हेमकुंड साहिब जी की फ़ोटो, गुरु गोविंद सिंह जी की फ़ोटो सब कुछ अवेलेबल होता है। तो अभी सब लोग अपने अपने दुकानें खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो भैया कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब के सामने। और अभी यहाँ पे जितने भी मतलब दुकानें हैं अभी वो क्लोज़ है, कुछ दुकानें खुलने लगी है, कुछ ऐसे ही बंद है और कुछ दिनों के बाद ये दुकानें भी सब खुल जाएंगी और यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा सा मार्केट देखने को मिलेगा। और ये ठीक है गुरुद्वारा साहिब गोविंद घाट के सामने। यहाँ पे आंटी जी है और ये आंटी जी अमृतसर से है और यहाँ पे 20-25 साल से दुकान लगाते हैं ना आंटी जी, 20-25 साल से दुकान लगाते हैं यहाँ गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब के सामने। हमें दुकान लगा रहे हैं, हम अमृतसर से आए हैं, है ना, हमारा अच्छा यहाँ बिजनेस चल रहा है, है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे जब के हम आ रहे हैं, है ना, हमारी दुकान अच्छी है, एक जूते वाली है, एक फोटो कड़े वाली है, कंघे कृपान वाली है, है ना, एक और क्या बोलूं। तो अमृतसर में कहाँ रहते हो आंटी जी? हम अमृतसर बटाला रोड में रहते हैं। अच्छा अच्छा, है ना। तो देखिए दोस्तों वहाँ से यहाँ पे आते हैं बाबा गुरुद्वारा साहिब के सामने, इनकी दुकान है, इतनी सेवा देते हैं। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो भाई गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब के सामने खुल गया है पिज्जा कैफे, तो आप यहाँ पे पिज़्ज़ा का लुफ्त उठा सकते हो। और यहाँ पे अमृतसर से पाजी आए हैं, इन्होंने ये यहाँ पे शॉप खोली है पिज़्ज़ा कैफ़े। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब संगता लई असी पिज़्ज़ा कैफ़े खोलिया 13 हेमकुंड साहब गोविंद धाम से
तो महाराज की कृपा के नाल संगतों नूं थोड़ा कि अच्छा वधिया पीजा कैफे इत्थे कोई नहीं सीगा, असीं खोलिया बड़ी मेहनत नाल। आप संगतां नूं बेनती है कि एक बारी जरूर इत्थे चक्कर लगा के जरूर जाना। वाहिगुरू, ठीक है वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। तो देखिए भाई, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि पिज़्ज़ा कैफे खुला हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब पिज़्ज़ा वगैरह खाने आएंगे और यहाँ पे पूरा मार्केट है, बहुत बढ़िया सा मार्केट है गुरुद्वारा। तो भाई दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे कैसे मतलब बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, अमृतसर से यहाँ पे दुकान खोलने के लिए आए हुए हैं। और ये जगह है गुरुद्वारा साहिब गोविंद घाट के ठीक सामने, गोविंद घाट का ही मार्केट है ये। भाई दोस्तों देखिए कितनी संगत पहुंची है गुरुद्वारा साहिब गोविंद घाट में, और 20 तारीख से खुलने जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, लंगर हॉल कुछ ऐसा है गुरुद्वारा साहिब में गोविंद घाट में। हाँ जी, तो यहाँ पे कितनी बढ़िया सी सजावट कर रखी है। तो आप तो यहाँ पे लंगर हॉल के सेवादार हैं वीर जी। तो भाई दोस्तों, आपको लेके चलते हैं आप सीधे दरबार साहिब की तरफ, और क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे काम हो रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारी संगत पहुंची हुई है और बहुत सारे काम भी हो रहे हैं यहाँ पे। और आपको लेके चलता हूँ मैं, आपको दर्शन कराता हूँ दरबार साहिब के। तो भाई दोस्तों, गुरुद्वारा साहिब के अंदर कुछ ऐसा व्यू है, कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। इस तरफ है लंगर हॉल और यहाँ पे है जोड़ा घर, जूते रखने की जगह। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। तो अभी तो लाइट लुइट कुछ नहीं खोली है क्योंकि दिन का टाइम है, तो कैमरे में थोड़ा मतलब लो डार्कनेस आ रही है। तो कुछ ऐसा एंट्रेंस है दरबार साहिब का गोविंद घाट में, और बहुत ही अच्छे तरीके से फूलों से सजाया हुआ है जैसे आप देख सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत सा दरबार साहिब को सजाया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छी तैयारियाँ भी हो रखी है। और ये खंडा साहिब को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। हवलदार भाई मोदन सिंह जी की पोर्ट्रेट लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है। जो बोले सोनीहाल सत श्री अकाल। तो दोस्तों, ये रहा दरबार साहिब गोविंद घाट जी का, गोविंद घाट में, और यहीं से यात्री मत्था टेक करके श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा शुरू करते हैं। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलते हैं दरबार साहिब के अंदर।
तो यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं प्रसादा लेने के लिए। कहाँ से आए हो बाबा जी? अमृतसर से। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो अमृतसर से ही आए हैं। और ये देखिए प्रसाद, स्वादिष्ट प्रसाद गुरुद्वारा साहिब दरबार साहिब का। सत श्री अकाल जी। तो ये कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है दरबार साहिब का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चबर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, नाम के बोहित कलयुग के जहाज शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू हाजर नाजर जानदे होया दास ज्ञानी हिम्मत सिंह जी, जो कि लगातार 7 साल श्री हेमकुंट साहिब विखे मीत ग्रंथी की ड्यूटी निभाई है। ये संगतों नू अपील करदा हाँ कि ऐतकी भी 2023 5 मई 2023 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਹੈ। तो भाई कर लिया है गुरुद्वारा साहिब दरबार साहिब के दर्शन, और अभी चलते हैं वापस पुलना गांव, क्योंकि आना जाना तो होता रहता है। और यहां पे आपको दिखा दिया है कि कैसे, मतलब किस तरीके से डेकोरेट किया गया है गुरुद्वारा साहिब को, दरबार साहिब को। तो भाई अभी तो हमने आपको दिखा दिया है कि दरबार साहिब गोविंद घाट में, गुरुद्वारा साहिब में क्या कुछ तैयारियां चल रही है। और 20 मई से खुलने जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी सी खुशखबरी है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं पुलना गांव की तरफ और आपको दिखाते हैं गाँव का व्यू। और दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ पुलना गाँव में, ठीक मेरे पीछे ये रहा पुलना गाँव। तो अभी तो दोस्तों पुलना गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जैसी धूप लगती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन पहाड़ों का मौसम कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब कैसा हो जाए, ठंडा हो जाए, बारिश हो जाए, बर्फ़ पड़ जाए, धूप हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी जैसे मतलब धूप पड़ रही है तो गर्मी हो रही है। और जब भी आप श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर आओ 20 मई से लेकर के 10 अक्टूबर तक, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े, अच्छे शूज़ ज़रूर लेके आइए, क्योंकि आपकी बहुत हेल्प होगी। और अभी बताया जा रहा है कि श्री हेमकुंड साहिब जी में 8 से 10 फीट बर्फ़ है, तो आपको वहाँ पे अच्छे जूतों की तो ज़रूरत पड़ेगी, जो ज़्यादा गीले ना हो, जो ज़्यादा फिसले ना बर्फ़ में, क्योंकि जहाँ से हेमकुंड साहिब जी रह जाता है 2 किलोमीटर, वहाँ से ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो आपको अच्छी क्वालिटी के जूते लाना मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए यात्रा के दौरान। और तो दोस्तों एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा मैं, जैसे आप पुलना गांव से गोविंद धाम तक का ट्रैक करते हो या यात्रा करते हो,
तो वहाँ पे आप अपना मतलब जो भी लगेज है आपका, कपड़े जो भी है वो ले जा सकते हो घोड़े खच्चर से या खुद से ही कैरी कर सकते हो। और जैसे आप गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करते हो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा लगेज लेकर के नहीं जाना है, आपको सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही लेके जाना है, लाइक जैसे गर्म कपड़े हो गए, अच्छे शूज़ हो गए, तो यही सब चीज़ें लेके जाना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा लगेज नहीं लेके जाना है जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें ना हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो जिससे चलने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों कल से मैं भी चला जाऊंगा गोविंद धाम घांगरिया में पूरे 4-5 महीनों के लिए, और आप लोगों को गोविंद धाम और श्री हेमकुंड साहिब जी की डेली अपडेट देता रहूँगा यात्रा के दौरान। और फिलहाल करता हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, तब तक के लिए जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।